हाँ जी दोस्तों, रियलमी ने अपने रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को इंडिया में इसे लॉन्च कर दिया। दोस्तों रियलमी इससे पहले जब रियलमी ने इसे जब लॉन्च करने से पहले रियलमी अपने लॉन्च इवेंट को कैंसिल कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कैंसिल करने के बाद भी रियलमी ने अपने रियलमी 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया ऑनलाइन अपने यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियलमी इंडिया पर इसे लॉन्च कर दिया गया। इससे पहले दोस्तों रियलमी ने इसे लॉन्च इवेंट रखा था ऑन द ग्राउंड को कैंसिल करने के बाद, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से रियलमी ने इसे लॉन्च इवेंट को कैंसिल कर दिया और दोस्तों इससे बात कहा कि इसे ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा उसी डेट और उसी टाइम पर। तो दोस्तों फाइनली रियलमी ने अपने रियलमी 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया उसी डेट इसी टाइमिंग पर। और इसकी दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो की स्पेसिफिकेशन, प्राइस, इसकी सेल डेट और दोस्तों क्या हम लोग जो है अब एक्सेप्ट कर रहे थे कि क्या उसी स्पेसिफिकेशन उसी प्राइस के साथ इसी डिवाइस को उतारा गया, पूरी इस वीडियो में डिटेल्स जानेंगे। क्या वाकई में हमको इस रियलमी 6 सीरीज को खरीदना चाहिए तो रियलमी 6 खरीदना चाहिए कि रियलमी 6 के प्रो को खरीदना चाहिए, कौन से डिवाइस को खरीदना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो, मैं प्रेम सागर। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रियलमी ने अपने रियलमी 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया, रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को भारत में से लॉन्च कर दिया। बात करते हैं दोस्तों इसकी दोनों फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी, देखने में तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छे गुड लुक देखने में लग रहे हैं। सबसे बात कर लेते दोस्तों इन दोनों के डिस्प्ले को लेकर, दोस्तों डिस्प्ले में दोनों ही फोन में दोस्तों फुल LED डिस्प्ले दी गई जो 6.5 इंचेस के रियलमी 6 में दिया गया तो 6.6 इंचेस का रियलमी 6 प्रो में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में 1900 रिफ्रेश रेट के LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में 1900 का डिस्प्ले दिया गया। वही दोस्तों एक्सेप्ट रेशियो की बात करते हैं 90.9 एक्सेप्ट रेशियो के साथ रियलमी 6 है, तो वही दोस्तों 90:9 का एक्सेप्ट रेशियो की बात करते हैं ये भी दिया गया। दोनों ही बराबर एक्सेप्ट रेशियो से, तो वही दोस्तों बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रियलमी 6 प्रो में दिया, तो वही दोस्तों 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया गया इसका रियलमी 6 को। दोनों ही फोन दोस्तों बहुत ही देखने में डिजाइन में और दोस्तों डिस्प्ले में लगभग सेम ही दिए गए हैं सारे स्क्रीन। इसमें प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोन में कार्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों बैक के डिजाइन की बात करें दोनों ही फोन में बैक में भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वही पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाएगा जो प्रीमियम क्वालिटी में देखने को मिल जाएगा, जो आपको देखने में वाकई में बहुत ही अच्छा देखने में लुभावना टाइप का लगेगा दोनों ही स्मार्टफोन। वही बात करते हैं दोस्तों बैक में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया जो दोस्तों 4 कैमरे दिए गए हैं। वही दोस्तों आपको साइड में बैक में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। वही दोस्तों बात करते हैं राइट में इसे दोस्तों बगल में ही से फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जो कि आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको रियल पोको के X2 में देखने को मिला था, सेम उसी तरीका से इसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। वही दोस्तों बात करें रियलमी 6 प्रो में तो डुअल पंच होल के साथ उतारा गया, तो वही रियलमी 6 में सिंगल पंच होल के साथ उतारा है। दोनों फोन में दोस्तों बोले तो बहुत ही अच्छा देखने में डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही फोन में अच्छा है। दोस्तों इसे पावर की बात करते रियलमी 6 प्रो को स्नैपड्रैगन 720G पर उतारा गया है जो कि आपको देखने को मिला था पहले ही। मनु कुमार जैन ने क्लियर कर दिया कि आपको ये पहला इसका कोई डिवाइस अपना लाने वाला जो स्नैपड्रैगन 720G पर उतारने वाला जो ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता। वही दोस्तों बात करते हैं रियलमी 6 में जो उतारा गया मीडियाटेक का G90 का प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल किया, जो मीडियाटेक हीलियो का G90 का प्रोसेसर मैंने पहले ही दोस्तों आपको वीडियो में बता दिया था कि इन दोनों फोन में ऐसा प्रोसेसर होने वाला, सेम उसी प्रोसेसर के साथ दोनों ही फोन उतारा गया है। रैम स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फोन आपको 2-3 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 6 प्रो की तो रैम और स्टोरेज 4 GB के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, 6 GB 28 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों आपको एक फाइनल वेरियंट भी देखने को मिल जाएगा 8 GB के साथ 28 GB इंटरनल स्टोरेज को साथ देखने को मिल जाएगा। वही बात करते हैं रियलमी 6 की दोस्तों रैम और स्टोरेज की तो 4 GB के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB के साथ 28 GB इंटरनल स्टोरेज, दोस्तों 8 GB के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको दोनों का मिल जाएगा। वही दोस्तों दोनों ही फोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं दोनों ही फोन एंड्रॉइड 10 बेस पर रियलमी UI 1.0 पर ही बेस पर चलेगा दोनों ही फोन में। दोस्तों आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 मिलेगा जो लेटेस्ट रियलमी UI का खुद का UI 1.0 पर ही बेस पर ही रन करने वाला है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों फोन की बैटरी के लगभग 4000
300 mAh की बैटरी दी गई है जो कि आपको बुक 4.0 का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगा, जो दोस्तों 30 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन में दोस्तों आपको सब टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट सब कुछ मिल जाएगा, आपको 3.0 mm जैक जैसे प्रोटेक्शन सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ब्लूटूथ GPR जैसे सारे सिस्टम हमको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे मेन हाईलाइट इस फोन में दोस्तों कैमरा फीचर्स को लेकर जो दोनों ही फोन में मेन हाईलाइट की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 6 प्रो के कैमरा का, 64 MP का दोनों ही फोन में आपको कैमरा दिया गया है जो कि आपको सैमसंग का G1 का दोनों ही फोन में सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो ISOCELL का G1 का सेंसर दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक दोस्तों सुनने मारा कि दोनों फोन में अलग अलग सेंसर आने वाला था, लेकिन दोस्तों दोनों ही फोन में आपको सैमसंग का ही G1 का सेंसर देखने को मिल जाएगा 64 MP के प्राइमरी सेंसर के साथ। वही दोस्तों बात कर लेते हैं रियलमी 6 प्रो में, तो दोस्तों सेकेंड कैमरा को लेकर 8 MP का सेकेंड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आपको वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों सेकेंड कैमरा आप बात कर लेते हैं रियलमी 6 में, तो उसमें भी 8 MP का सेकेंड कैमरा देखने को मिल जाएगा, वो भी वाइड एंगल ही कैमरा दिया जाएगा जो 8 MP का सेकेंड कैमरा दिया है। वही दोस्तों थर्ड कैमरा की बात कर लेते हैं रियलमी 6 प्रो में, तो दोस्तों आपको 12 MP का लेंस देखने के लॉन्ग फोकस लेंस देखने को मिल जाएगा, आपको 20x डिजिटल जूम के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो सबसे हाईलाइटेड लिस्ट में रियलमी 6 प्रो में किया गया है जो 20x डिजिटल जूम के साथ। वही दोस्तों बात कर लेते हैं रियलमी 6 में, तो 2 MP का आपको मोनो कैमरा मोनो लेंस देखने को मिल जाएगा। वही रियलमी 6 प्रो में एक और आखिरी कैमरा की बात कर लेते हैं, तो 2 MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। तो वही दोस्तों आपको Realme 6 में भी 2 MP का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। वही Realme 6 में आपको 12 सेल्फी कैमरा दिया गया जो कि आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि आपको 60 MP का प्राइमरी सेंसर, वही दोस्तों 8 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। वही बात कर लेते हैं Realme 6 में आपको 60 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों ही फोन में दोस्तों कैमरा के मामले में बोले तो सही एकदम जरूरी एकदम सही कैमरा फीचर्स दिए गए हैं, दोनों ही फोन में फीचर्स अच्छे दिए गए हैं। दोनों फोन में बस कैमरा क्वालिटी भी सेम दी गई, लगभग दोस्तों बस मेगापिक्सल को कम किया गया, बाकी सेम कैमरा आपको सेम क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन की बात कर लेते दोस्तों सेल और प्राइस को लेकर, दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रियलमी 6 की प्राइस की बात करें तो दोस्तों 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज की शुरुआती वेरियंट है, 12,999 रुपए से स्टार्टिंग है। वही दोस्तों आप 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत की बात करें तो दोस्तों 14,999 रुपए देखने को मिल जाएगा। वही दोस्तों एक हाईएस्ट वेरिएंट रखी गई जो 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत जो 15,999 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। रियलमी 6 प्रो की बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी रियलमी 6 के प्रो की कीमत की बात करते हैं, इसकी जो शुरुआती वेरियंट उतारी गई 6GB 164GB इंटरनल स्टोरेज वाली की कीमत 16,999 रुपए से स्टार्टिंग कीमत रखी गई। वही दोस्तों 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली की 17,899 रुपए। वही दोस्तों एक और हाईएस्ट वेरियंट की बात करें तो इसकी 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज वाली कीमत 18,999 रुपए रखी गई है। इसके दोस्तों इसकी फर्स्ट सेल की बात करें दोनों ही फोन को अमेजोन इंडिया और रियलमी के खुद ऑफिशियल साइट पर से मिलेगा आपको। ये दोस्तों फर्स्ट सेल्स की बात कर लेते हैं रियलमी 6 के, तो 11 मार्च को इसका फर्स्ट सेल आपको दोपहर 12 बजे से देखने को मिल जाएगा। तो ही दोस्तों बात कर ले रियलमी 6 प्रो की, तो आपको 13 मार्च को आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट सेल आपको, ये भी दोपहर 12 बजे से। दोनों ही फोन में दोस्तों स्पीकेशन के मामले में सेम लगभग दिए गए, थोड़ा बहुत आपको कम बेसी और एडजस्टमेंट में देखने मिलेगा। दोनों ही फोन बोलते हैं गेमिंग के लिए ही दोस्तों एक स्पेशली फोन, दोनों ही फोन का प्रोसेसर जो गेम के लिए स्पेशल दिया गया। वही दोस्तों बात कर लेते हैं तो बात किए मैंने जैसे दोनों फोन के स्पीकर, दोनों ही फोन प्रोसेसर जो गेमिंग प्रोसेसर दिया है, दोस्तों आप लोग दोनों ही फोन खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सजेशन मेरा मानेंगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप लोग रियलमी 6 का खरीदे। आप लोग डुअल सेल्फी कैमरा नहीं लेना चाहते तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है रियलमी 6, आपको कैमरा क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाएगी रियलमी 6 में। आप रियलमी 6 प्रो के पास थोड़ा बहुत आप पैसा बढ़ा भी सकते हैं तो इसकी कोई भी दिक्कत नहीं, आप रियलमी 6 प्रो भी अच्छा है क्योंकि दोस्तों इसमें डुअल सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है, इसमें एक्स्ट्रा लेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही फोन में 4 कैमरे देखने को मिल जाएगा बैक में, और दोनों ही फोन आपको सेम क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेरी सजेशन में है कि आप रियलमी 6 भी खरीद सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, और रियलमी 6 प्रो भी खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे माने में रियलमी 6 ही बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्या दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस दोनों ही डिवाइस में से कौन से डिवाइस को खरीदना पसंद करेंगे, रियलमी 6 या रियलमी 6 प्रो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो
दोस्तों ये थी रियलमी की तरफ से आए हुए रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो के कुछ स्पीकर कुछ फीचर्स इसकी मेरे तरफ से ओवरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। हमें तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देगा, अपने दोस्तों को शेयर कर देगा, चैनल पर नया अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।